आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों आइए आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए एक और नया और बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा पोशाक बनाएंगे। इसे हम तीन कलर से बनाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा है ये पोशाक, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। देखिए तीन कलर से बना हुआ है, इसमें साथ में टोपी भी संलग्न है। एक साथ अगर आप चाहें तो इसे अलग से इसमें टोपी बना सकती हैं। और देखिए इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन बीच बीच में इस तरीके से उठा हुआ, दो के बीच में इस तरीके से उठा हुआ रहने कारण और भी सुंदर लग रहा है। तो फिर चलिए इसे बनाते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ड्रेस अच्छा लगता है, पसंद आता है, हमारा बताने का बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये चोली बना लिए हैं, साथ में यहाँ पे टोपी भी इसी के साथ बना हुआ है। यहाँ पे आउटलाइन दे लेंगे। बना लेने के बाद देखिए एक चेन से, यहाँ पे एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाते हुए हम एक लाइन पहले कंप्लीट किए, फिर दूसरा लाइन जो हम बनाए हैं यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे। और देखिए फर्स्ट लाइन में एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन से हम दो चेन, सबसे पहले दो डबल क्रोशिया बुने अलग अलग चेन से, फिर एक चेन से दो डबल क्रोशिया बुने, फिर दो डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बुने, फिर यहाँ पे एक चेन बीच किए और तीन चेन की संख्या तीन रखें, फिर दूसरा चेन से ही इसी चीज़ को रिपीट करते चले गए। पूरी गोलाई में बनाकर देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक पूरी गोलाई में बना लिए। बना लेने के बाद में दूसरा लाइन जो हम बनाए, दूसरा लाइन एक पर एक डबल क्रोशिया बनाए और यहाँ पर तीन चेन रखें। तीसरा लाइन जो हम बनाए इस पर तीन चेन यहाँ पे डालें, यानी तीन डबल क्रोशिया यहाँ पे लिए, एक से दो किए हम, देखिए यहाँ पे तीन, यानी कि ये एक दो तीन बनाए और ठीक बीचों बीच से एक निकाल लिए, फिर एक दो तीन बनाए, यहाँ तीन रखे चेन की संख्या। अब इसके बाद जो हम अगला बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ला के इसे हम कंप्लीट करेंगे, जोड़ लेंगे। तीन चेन यहाँ पर हो गया हमारा, तो तीन चेन में हम इसे यहाँ पर जोड़ लेते हैं, देखिए इस तरह से। अब एक पर एक हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक लाइन एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। दो, देखिए ये रहा तीन, चार, पाँच और ये रहा छः, देखिए छः डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए हम। अब फिर से तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, अब फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद छः चेन हमारे पास है, सात चेन हो जाता है यहाँ पे, तो इसे हम इसी तरह बना लेंगे, डबल क्रोशिया एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसे कुछ दूरी तक बना कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम ये तो एक लाइन हम प्लेन बुने, यहाँ पे यहाँ भी एक लाइन प्लेन बुनेंगे, फिर अगला लाइन जो बुनेंगे उसमें एक डबल क्रोशिया हम बढ़ा लेंगे प्रत्येक में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपको एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ है, तो आठों में हम एक एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेंगे, बढ़ा करके उसके बाद हम बुन लेंगे। तो हम यहाँ पे जितने जितना आप जितने नंबर, अगर चार नंबर के कान्हा जी का बना रही हैं तो चार इंच यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से कमर से लेके आगे तक की लंबाई चार इंच रखें, चार इंच बनाकर इसे कंप्लीट करें। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप मान लिया जाए दो इंच का बना रही हैं, पाँच इंच, छः इंच, जितना इंच का भी बना रही हैं उसी अनुसार यहाँ पे उतना ही इंच लंबाई यहाँ से यहाँ तक बुन ले। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं कि यहाँ पे हम किस तरह से बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम कितना लाइन इसे बनाकर कंप्लीट किए, ये एक दो तीन चार पाँच छः, ये एक यहाँ से हम बनाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः एक साथ हो जाएगा। और ऐसे अगर आप देखेंगे तो कितना लाइन में यहाँ तैयार किए हुए हैं, यहाँ तक चोली था एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात लाइन हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे इस तरह का ये बनाएंगे, देखिए जो देखने में बड़ा ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए इस तरह से इसे बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। इसे बना लेने के बाद इस तरह से फैला देने से बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा लगता है ये। देखिए इस तरह से जो भी यहाँ पे हम चेन छोड़े हुए हैं इसी चेन पे बनाएंगे प्रत्येक में। यहाँ पे छोड़ा हुआ था चेन तो दो यहाँ से बनाए, यहाँ से दो बनाए, अब यहाँ दो बनाएंगे, फिर यहाँ दो बनाएंगे। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हम ग्रीन कलर का ऊन ले लेंगे,
देखिए यहाँ तक तो हमारा बन चुका है, अब यहाँ से बनाएंगे तो इसे यहाँ लाकर जोड़ेंगे। ये जोड़ लिए हम। अब एक चेन ले लेंगे, इसके बाद फिर बल लेंगे। बल लेने के बाद यहाँ पे देखिए इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक बार इस तरह निकाले, हमारे पास तीन फंदा हो गया। फिर से बल लेंगे और फिर से दूसरा हम यहाँ से निकालेंगे। ये हो गया पाँच हो गया हमारे पास फंदा, हमारे पास क्रोशिया में पाँच हो गया। यहाँ 11 नंबर का हम क्रोशिया यूज कर रहे हैं और बेबी उल से हम इसे बना रहे हैं। देखिए अब यहाँ एक इस तरह से हम इसे बंद करेंगे, फिर से ये एक बंद करेंगे, फिर से एक, फिर से एक और फिर से एक, इस तरह से हम यहाँ बंद किए। अब एक चेन ले लेंगे, बल लेंगे। बल लेने के बाद देखिए ये जो दिख रहा है यहाँ से हम सबसे पहले इस तरीके से लेंगे, फिर बल लेंगे, यहाँ से लेंगे, बल लेने के बाद यहाँ से लिए, ये हो गया, फिर बल लेंगे, फिर अब हम यहाँ से लेंगे तो ये हो गया, फिर बल लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, फिर से बल लेंगे और लास्ट हम यहाँ से लेंगे। देखिए इस तरह से अब इसे भी हम एक एक करके बंद करेंगे। ये बिल्कुल एक एक करते हुए हम इसे बंद कर लेंगे। देखिए अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से हम इसी तरह निकालेंगे, यहाँ पे फिर से बल लेंगे, इसमें से लेंगे हुक डालकर, ये हो गया, फिर से अगला में फिर से बल लेंगे, फिर से यहाँ पे लेंगे, फिर से बल लेंगे, यहाँ से लेंगे, फिर से बल लेंगे। जितना बार हमें लेना है बल लेते हुए ही हमें लेना है यहाँ पे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हो गया। अब इसे हम किस तरीके से बंद करेंगे, सबसे पहले एक बंद करेंगे, अब यहाँ से हम दो दो बंद करेंगे। देखिए ये दो को एक साथ, फिर से दो को एक साथ, फिर से दो को एक साथ, बस इस बार हमें दो दो बंद करना है एक साथ करते हुए। अब यहाँ पे हम एक बंद करेंगे और इसे रहने देंगे। देखिए हमारा ये इस तरह से तैयार हुआ। अब यहाँ हम कलर चेंज करेंगे, रेड कलर हम लाएंगे यहाँ पे। ये इस तरह से एक दो चेन ले लेंगे, दो चेन लेने के बाद टाइट कर लेंगे इसे और इसे भी। देखिए अब दोनों को मिलाते हुए बुनेंगे हम यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया। यहाँ से लेंगे हम एक, ये एक बार लिए, दो का एक करेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर इसी स्थान से एक बार और लेंगे। तो देखिए ये हो गया दो का एक। अब ये दोनों को एक साथ बंद करेंगे। फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले दो का एक कर लिए, फिर से इसी स्थान पे हुक को डालकर फिर से दो का एक करेंगे और अब जो दो बचा ये दोनों को एक साथ इस तरीके से बंद करेंगे। फिर से बल लेंगे, अगला यहाँ पे डालेंगे हुक को और ये दो का एक किए, फिर से बल लेंगे और फिर से ये दो का एक किए। अब ये जो दोनों देखिए एक ही स्थान से उठा हुआ यहाँ पे दोनों है, ये दोनों को एक साथ बंद कर देंगे। अभी हमारे पास यहाँ चार हो गया। फिर से बल लेंगे, बगल से फिर से हम इसी तरह बनाना है। देखिए इस तरह से फिर यहाँ दो का एक कर लेंगे, फिर से दो का एक करेंगे, अब लास्ट में दोनों को एक साथ बुनेंगे। तो इस तरह से हम चलिए इसे पूरा यहाँ तक जो भी यहाँ बना हुआ है कंप्लीट कर लेते हैं।
ये दो को एक साथ बंद कर लिए। देखिए अब हमारे पास यहाँ इतना हो गया फंदा। अब देखिए एक साथ यहाँ किस तरह से हम बंद करेंगे। देखिए अब यहाँ से इस तरह से लेंगे और एक साथ सबों को बंद करेंगे। एक चेन लेंगे टाइट करते हुए इसे, फिर से एक चेन लेंगे टाइट करते हुए। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये एक दो तीन तीसरा पे ले जाकर हम इसे जोड़ लेंगे। ये इस ढंग से, इस ढंग से तीसरा पे ले जाकर जोड़ लिए। अब इसे अगर आप चाहे तो कट कर सकती हैं, और अगर आप इस ऊन को यहाँ पे लाकर इसी में फिर से ये चीज़ बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं। तो अगर आप साथ में बनाना चाहती हैं, देखिए किस तरह बनाएंगी ऊन को, हम बिना कट किए हुए भी यहाँ पर बना सकते हैं। ये हो गया, ये इस तरह से एक दो, दो चेन हो गया। अब इस पे हम यहाँ से लेंगे और ये इस तरह से बनाए, फिर से इस तरह से किए। अब फिर से यहाँ से लेंगे ये, और एक बार और यहाँ से लेंगे ये। अब एक एक करके इसे हम बंद करेंगे। देखिए फिर से हम इसी चीज़ को यहाँ पे शुरू कर दिए बनाना, क्योंकि हमें दो बनाना है। तो इस तरह से आप दूसरा भी यहाँ बना ले। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला हमारा यहाँ किस तरह से लग रहा है। इसे अंगुली की मदद से नीचे से अंगुली ले जाकर इस तरह से और फैला लें। देखिए फैला लेने के बाद ये आपका कुछ इस तरह का लगेगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। और जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे वो लास्ट में यहाँ पर ला कर बंद करेंगे। जैसे कि देखिए ये यहाँ पे बंद हुआ है, तो यहाँ पे बंद करेंगे और ऊन यहाँ पे हम कट नहीं किए हुए हैं, ऊन को जोड़ लेंगे जिस तरह से जोड़ने हम बताएं। इस तरह से हम करते हुए चलिए इसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये सब जो आपको यहाँ दिख रहा है इसे अंदर की ओर ले जाएं। देखिए इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे इस तरह से। तो चलिए इसे हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। यहाँ 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 जितना भी बना हुआ है सब जगह कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पे आउटलाइन देना चाहती हैं यहाँ पे, तो आप या तो ये कलर से दें या ये कलर से दें, आप आउटलाइन यहाँ दे ले, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलिए हम इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इस पे बना चुके हैं प्रत्येक लाइन पर दो दो, ये एक हो गया, दो हो गया, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, सब जगह पर दो दो बना चुके हैं। और यहाँ पर हम आउटलाइन दिए हुए हैं। अब ये तो आउटलाइन दे लिया, अब इसके बाद हम ये इस तरह का किनारे में आउटलाइन यहाँ पे देंगे। देखिए देखने में सुंदर लगेगा काफ़ी। तो चलिए इसे हम जानते हैं कि किस तरह से दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे वीडियो में हम ये आउटलाइन बता चुके हैं कैसे देना चाहिए, चलिए फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए बल ले लेंगे, बल लेने के बाद चेन में हुक को डालेंगे और तीन हमारे पास हुक पे हो गया, तीनों को एक साथ बंद करेंगे। अब एक दो तीन चार, चार चेन ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ से और इसमें से एक, दोनों से बल लेते हुए इसमें से भी निकाल लेंगे, फिर से बल लेंगे, अगली चेन पे हुक को डालेंगे, फिर एक दो तीन चार, बस इसी तरह से हम इसे करते चले जाएंगे। आपका ये प्यारा सा सुंदर सा यहाँ पे देखिए बनकर तैयार हो जाता है। और जो बीच में हम आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम तीन बनाएंगे। देखिए एक दो तीन, तीन चेन हमारा यहाँ पे था तो तीन यहाँ पे बनाएंगे। चलिए हम आप लोगों को दिखलाते हैं, यहाँ तक सबसे पहले ले आते हैं बनाकर। अगर आप चाहें तो यहाँ चार चेन की संख्या, जो चार हम चेन की संख्या रखे हैं यहाँ पे, आप बढ़ा भी सकती हैं, लेकिन चार चेन की संख्या बिल्कुल सही आता है, इसलिए हम चार यहाँ पे रखे हुए हैं। पतला ऊन से बना रहे हैं तो चेन की संख्या बढ़ा ले। अब देखिए अब हमें बीच में तीन किस तरह से निकालना है, यहाँ से तो बल लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम इस स्थान से एक बना लेंगे। देखिए एक दो तीन चार,
और इसमें से भी बल लेते हुए निकाल लेंगे। फिर देखिए अब जो अगला बनाएंगे वो यहाँ से बनाएंगे, बीचों बीच से इस तरह से करते हुए, एक दो तीन चार, और इसमें से भी लेंगे इस तरीके से। देखिए अब अगला जो बनाएंगे यहाँ पे डालेंगे हुक को, एक दो तीन चार, बीच में हम तीन रखे थे चेन की संख्या, इसलिए तीन ही यहाँ पे बना रहे हैं। अब देखिए फिर यहाँ से हम शुरू करेंगे, तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे चलिए यहाँ तक पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं पोशाक देखने में कैसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये पोशाक देखने में, तो चलिए इसे कंप्लीट करने के बाद हम दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए पूरा बनने के बाद ये ड्रेस कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें साथ में टोपी भी लगा हुआ है, अगर अलग से इसका टोपी बनाना होता तो और भी सुंदर इसका टोपी बनता इसी डिजाइन के साथ में। देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस है। ये 5 नंबर के कान्हा जी का ड्रेस है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।